हेलो दोस्तों, यूके स्टडी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो आपके स्पेशली उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आज एक विज्ञापन जारी किया गया है, और ये विज्ञापन जारी किया गया आपका सहायक कृषि अधिकारी वर्ग थर्ड के लिए। और इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कर रही, यानी कि जो बोर्ड आपका कराएगा इसको, वो है आपका उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग UK SSC। ठीक है। और विज्ञापन जो जारी हुआ आपका, यानी कि 2 अगस्त को ये विज्ञापन जारी किया गया, किसके लिए स्पेशली, ये आपका BSc एग्रीकल्चर से जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए पोस्ट है, यानी कि 280 पोस्ट है। बहुत ज़्यादा पोस्टें होती है उत्तराखंड जैसे स्टेट के लिए, 280 पोस्टें जारी की गई है। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। विज्ञापन की जो डेट है आपकी, यानी कि 2 अगस्त को जारी हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, आप उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के UK, ठीक है ना, UK SSC UK.gov पे जा सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, SSC.UK.gov, यहाँ पे ये मेंशन किया गया आपका। ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 6 तारीख से, 6 अगस्त से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म। अब आपके ऑफलाइन नहीं भरे जाते उत्तराखंड के अंदर, आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। उसके बाद आपकी अंतिम डेट, यानी कि आपका लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई आपका कब तक कर सकते हैं, 19 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जो फीस यहाँ पे होगी, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम फीस होगी, वो नेट बैंकिंग से और या आपका डेबिट कार्ड से आप लोग फीस आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी एग्ज़ाम डेट, यानी कि जो आपका अनुमानित समय बताया गया, दिसंबर माह 2019 तक आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा देगा आपका SSC ने, ऐसा इसमें बताया गया। ठीक है ना, कि 2019 यानी कि दिसंबर 2019 तक, इस ईयर के एंड तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना आप लोग, अगर यदि आप लोग उत्तराखंड के अंदर कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए आपका OTR होना बहुत ज़रूरी है। OTR का मतलब क्या, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरते हो, चाहे आप अधीनस्थ चयन आयोग का, दोनों आयोग के लिए आपका एक टाइम पे क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपका अपनी डिटेल पहले से आयोग के पास आपकी डिटेल होती है, और जब भी कोई पोस्ट निकलती है तो उस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अपना नाम मेंशन करना है। उसके बाद आपके पास सारी की सारी डिटेल आयोग के पास रहती है। ठीक है ना, और फीस पे करनी है आपको उस पद से संबंधित बाकी डिटेल आयोग के पास। हाँ, कुछ अपडेटेड चीज़ हो जाती है उसके बाद, जैसे आप लोग कुछ एडिशनल कोर्सेज करते हैं, कोई टेक्निकल कोर्सेज करते हैं या उससे एक्स्ट्रा कोर्सेज करते हैं, तो उसे बाद में आप ऐड कर सकते हो, ऐसा आपके पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसके लिए बहुत आवश्यक है, ये अनिवार्य किया गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हम लोग यहाँ पे स्पेशल चीज़ें क्या क्या दी गई वो बता देता हूँ आप लोगों के। टोटल पोस्टें क्या क्या है आपके, टोटल 280 पोस्टें हैं, ये तो मैंने बता दिया। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें दी गई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पद कोड क्या है आपका, 132, और टोटल पोस्टें कितनी आपकी, 280 है, समझ रहे हो। अनुसूचित जाति के लिए कितनी पोस्टें रखी गई, महिलाओं के लिए कितनी पोस्टें रखी है, इस चार्ट में आपका सब कुछ दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान, सामान्य वर्ग के लिए कितनी पोस्टें हैं, OBC ST SC के लिए कितनी पोस्टें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। और ध्यान दें, ये सिर्फ और सिर्फ BSc एग्रीकल्चर जो बच्चे, ठीक है, जो स्नातक हैं आपके, उन्हीं के लिए, BSc एग्रीकल्चर में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उन्हीं बच्चों के लिए पोस्ट जारी की गई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, लिखित परीक्षा के लिए, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका 100 मार्क्स का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, और जो सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, इसमें आपका अदर कुछ भी नहीं आने वाला, यानी कि जैसे आपका उत्तराखंड, यानी कि आपका GIS, ऐसा पोर्शन इसमें कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेंगे। और आपको टाइम दिया जाएगा इसमें 2 आवर का टाइम, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, एक चीज़ और भी ध्यान देना, किसी भी कैटेगरी के लिए, यानी कि OBC के अभ्यर्थियों के लिए 45 तथा आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 35 अंक लाना बहुत ही आवश्यक है इसमें। यानी कि आपका जो यहाँ पे पहले क्या होता था आपका, कि अगर टॉप मार्क्स आपके 15 मार्क्स भी हैं तो उस बच्चे को ज्वाइनिंग दी जाती थी या उसका सिलेक्शन माना जाता था, अब ऐसा नहीं होने वाला। अगर कोई भी बच्चा सामान्य कैटेगरी और OBC कैटेगरी का 45 तक मार्क्स नहीं लाता है सब्जेक्ट के अंदर, तो उस दौरान किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है।
यानी कि कम से कम 45 मार्क्स ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए, एसटी एससी और अदर कैटेगरी के लिए आपका कौन सा है 35 मार्क्स लाना अनिवार्य है, ऐसा इसमें बताया गया। और ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, प्रत्येक 4 गलत पे आपको क्या दिया जाएगा, आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा, यानी कि आपकी मार्किंग होगी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। आगे चलते हैं हम लोग एज से रिलेटेड, यहाँ पे एज क्या पूछी गई, तो मिनिमम एज 21 ईयर और आपका मैक्सिमम कितनी होगी 42 ईयर यहाँ पे एज दी गई है। साथ ही साथ और यहाँ पे ध्यान दें, वही बच्चा जो उत्तराखंड के 13 जिलों में से, यहाँ पे क्या होता है आपका किसी ना किसी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम होना आवश्यक है, जिला सेवायोजन कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। आप यदि उत्तराखंड का कोई भी फॉर्म भरते हो तो आपका उत्तराखंड के किसी न किसी 13 जिलों में से किसी न किसी जिले में आपका सेवायोजन कार्यालय में नाम होना आवश्यक है, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान दें। जिस बच्चे का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो फॉर्म जब विज्ञापन तिथि के बाद अगर रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे मान्य नहीं माना जाता आपका, ठीक है, वो वैलिड नहीं होता है। जब तक आपकी पोस्ट नहीं निकलती, विज्ञापन से पहले आपका सेवायोजन कार्यालय में नाम होना आवश्यक है, ये इसमें मेंशन किया गया, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे सिलेबस की ओर, यानी कि सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है आपका सिलेबस इसमें, और फीस के लिए, फीस यहाँ पे ऑनलाइन फीस पे की जाएगी और जनरल कैटेगरी के लिए 300 रखा गया इसमें। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के जो बच्चे हैं जनरल कैटेगरी में, उनके लिए भी फीस आपकी 300 ही है यहाँ पे, ठीक है। एससी और एसटी के लिए 150 रखी गई है, और जो दिव्यांग लोग होते हैं, ठीक है, जो फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी 150 फीस रखी गई आपकी, एग्ज़ाम फीस रखी गई है। साथ ही साथ और चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यानी कि लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सिलेबस, यानी कि सिलेबस क्या पूछा जाता है। सिलेबस देख लीजिए आप लोग, जो बीएससी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस में यूनिट फर्स्ट के अंदर आपका क्या पूछा जाएगा यहाँ पे साथ ही साथ आपको मेंशन किया गया है। यूनिट थर्ड के अंदर क्या पूछा जाएगा, यानी हॉर्टिकल्चर, क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें दी गई यहाँ पे, टाइप ऑफ द आयरन एंड स्टील यूनिट थर्ड के अंदर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना। बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर जो जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएगी। तो ये आपका और सिर्फ आपका यहाँ पे सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा आज के टाइम पे उत्तराखंड के अंदर। आप लोग बाकी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप सब्जेक्ट यानी कि आपकी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ें तो यहाँ पे आप लोग आराम से क्वेश्चन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आई होप कि आप जल्दी से फॉर्म भरेंगे, और आने वाले जो बच्चे अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको बता दूँ कि अभी कुछ न्यूज़ चैनलों पर, कुछ न्यूज़ पेपर्स में उत्तराखंड ग्राम्य विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, इन सब की पोस्टें भी आने वाली है। तो आप लोग जो इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए भी बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है। नेक्स्ट अपडेट जल्दी से दूंगा आप लोगों को, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।